राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक कमेंट और आया था जो कि भाई साहब ने पूछा है, 2 किलो देसी घी में जलेबी बनवाने का कितना खर्चा लाग जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है जो भाई जानना चाहवा है, तो उस विषय में हमारा काम है आपते रियल वीडियो बना के देना और सही समझाना, एक एक चीज सही समझा के मैं थरे तो बताऊंगा भाई। भाई ने बताया ठीक है, ये पापा मैक्सिमम भाई मान का चलना, हाँ 2 किलो घी लेवांगे। ठीक है, सबसे पहले तो घी की आवश्यकता होगी। हम कई भाई ये भी सोचते होगे, अब भाई घी तो हमारा घर का है, भाई घर का बेशक हो, थारे दौरे तो कोई और लेकर जावेगा तो भी घी का प्राइस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, मान का चाल भाई 750 से लेकर 800 रुपये का घी का भाव है। ठीक है, ये 2 किलो घी का भाव जोड़ांगे, 800, 8 दुनी 1600 रुपया घी का भाव हो गया हमारे उधर। ठीक है, ये आप औसत काट कर देखा, 1 किलो घी में, 1 किलो घी में चीनी कितनी गिराएंगे, 1 किलो घी में मैक्सिमम मान का चला 3 किलो से लेकर 3.25 किलो चीनी गिराएंगे 1 किलो घी में, जो चाशनी पड़ेगी उस टाइम। 2 किलो घी हमारे दौरे, तो 2 किलो घी है तो 300 अपवाय। पहली बात है भाई, पहले बताई थी मैंने, जिस टाइम किसी चीज की औसत काटनी है तो उस टाइम 1000 ग्राम में, यानी कि 1 किलो ने 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देवांगा। ठीक है भाई, ये मारे दौरे 3225 ग्राम, यानी कि 3 किलो 250 ग्राम जो चीज थी वह 3250 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 3250 ग्राम गुणा में 2 किलो घी। ठीक है, हमारे द्वारा कितना हो गया, 6500, यानी कि 6 किलो 500 ग्राम। ठीक है भाई, 6 किलो 500 ग्राम होगी हमारे द्वारा चीनी, यानी कि 6.5 किलो चीनी, 6.5 किलो चीनी होगी, तो लगभग मान के चल रहा भाई 40 का 42 का 45 का भी रेट चल रहा है फिलहाल, तो 44 45 का रेट चल रहा है चीनी का, तो आप मान के चल रहा 6.5 किलो चीनी गुणा में 45 रुपया रेट। ठीक है, 290 रुपया चीनी का खर्चा हो गया, 1600 रुपया घी का, 290 रुपया चीनी का। ठीक है, ये मान का चला 1 किलो घी में आप मैदा कितनी गिराएंगे, 1 किलो घी में भाई मान का चला आप 1.25 किलो मैदा गिराएंगे। ठीक है, 1.25 किलो मैदा गुणा में 2, यानी कि 2.5 किलो टोटल मैदा हमारे द्वारा कितनी होगी, 2.5 किलो। मैक्सिमम मैदा का रेट मान कर चल रहा है 30 रुपये, 30 रुपये मैदा का रेट है, तो 2.5 गुणा में 30 हमारे द्वारा रेट कितना हो गया मैदा का, 75 रुपये, 75 रुपये मैदा का, और 20 रुपया लगभग मसाला होगा जो कि सोडा है या रंग काट है या भाई थोड़ा बहुत कलर गिरवावा, तो 20 रुपये मसाला का। ठीक है भाई, और 60 रुपया लगभग गैस का खर्चा। ठीक है, और कई भैया कमन में एक सवाल और भी है, कई वीडियो देखा हमारे इन्हों कहोगे अब भाई गैस का कम खर्चा बतावा है, गैस का बहुत गणा कम खर्चा बतावा है भाई, इतना खर्चा कौन ही लगा करता, नॉर्मल जायज तो जायज खर्चा है, गणा खर्चा गणा कम कौन आयो, बिल्कुल सही खर्चा है। ठीक है, ये पापा सोच कर चलना, अगर 2 किलो घी की जलेबी बनानी है मदा कितने लगी, 70 75 रुपए की, वह 60 रुपए गैस लगेगी, तो घड़ो फर्क को नहीं। ठीक है, ये बापा सोच कर चलना, टोटल खर्चा जोड़ांगे तो लगभग 2050 रुपये खर्चा हो गया, ये रहेगी के हमारे दो रहेगी मजदूरी। भाई कोई दुकानदार भाई बनाने लग रहा है तो भाई देख अपना एडजस्ट करने भाई, आप के मजदूरी लगाओगे, या कोई घराड़ा हलवाई बनकर बनावा है या कोई हलवाई है, उसने भी सोचना भाई के मजदूरी। ठीक है, लगभग हलवाई की तौर पर बताऊं मैं, मैक्सिमम हम के रेट ले वहाँ 200 से 250 रुपया फिलहाल का रेट भाई, 200 से 250 रुपया 1 किलो घी पे, यानी कि भाई किसी का 5 7 किलो घी हो जाए उस टाइम 250 रुपया भी ले जाए, या थोड़ा बहुत घी हो ज़्यादा घी हो तो उस टाइम थोड़ा कम भी हो जाए। ठीक है, 200 रुपया मैक्सिमम मान का चल, 400 रुपया जलेबी बनाई खर्चा हो गया, 400 में लगभग 2450 रुपया टोटल 2 किलो मैदा की जलेबी बनाने का खर्चा हो गया,
भाई आज के लिए इतना ही काफी। अगर था हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसने लाइक कर दियो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसने सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद।